आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू और सूजी का बहुत ही टेस्टी क्रंची नाश्ता की रेसिपी। इन्हें बनाना बहुत आसान है। अक्सर शाम होते ही बच्चों को छोटी मोटी भूख लग जाती है, चाहे तो आप उनकी टिफिन के लिए झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, और सबसे खास बात है कि इसे लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा, आपको स्टोर करना भी बताऊंगी। ये 100% रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपने कुक डेली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक न्यू रेसिपी शुरू करते हैं। सुपर की रेसिपी सुपर टेस्टी पोटैटो व्हाइट बनाने के लिए सबसे पहले गैस के ऊपर चढ़ाएंगे एक पैन, फ्लेम के रखेंगे मीडियम और इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच तेल। तेल के बिल्कुल गर्म बढ़िया से होते हैं। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच राई के दाना। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है सरसों और जीरा का। बढ़िया से दोनों चीजों को चटकने देंगे। अब इसी स्टेज पर डालेंगे एक छोटी चम्मच सफेद तिल, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है स्नैक्स में। अब इसमें डालेंगे दो कटोरी पानी। मेजरमेंट के लिए कोई भी कप चाहे इस तरह के कटोरा सेट कर लीजिएगा, उसी से सारी चीज ले लीजिएगा। अब इसी स्टेज पर डालेंगे आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट। अब इसी स्टेज पर डालेंगे तो टेस्ट और खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगा। यदि आप अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स हो तो इसमें डाल लीजिएगा, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। वरना आप लाल मिर्च के कूट करके भी डाल सकते हैं, लुक बढ़िया आता है। अब साथ ही डालेंगे स्वाद के अनुसार एक छोटी चम्मच नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही बेसिक मसाले लिए हैं, इसी से टेस्ट बढ़िया आएगा। हमारा पोटैटो बाइट में बढ़िया से मिक्स करके एक उबाल इसमें आने देंगे। ये देखिए एक उबाल आ गया है, फ्लेम के कर देंगे मीडियम। अब लो फ्लेम पर यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कटोरी सूजी, उसी कटोरी यानी कप से ले लीजिएगा। ये मैंने फाइन वाली सूजी ली है। फाइन वाली सूजी से हमारा नाश्ता में टेस्ट और टेक्सचर दोनों बढ़िया आएगा। अगर आपके पास फाइन सूजी नहीं है तो ग्राइंडिंग जार में डालिए, पर्स पर एक से दो बार चला लीजिए, आपके सूजी फाइन तैयार हो जाएगी। यही पर हम सूजी के डाल देंगे। एक कप सूजी के लिए दो कप पानी बिल्कुल रेसो परफेक्ट है। सूजी के एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और एक हाथ से मिक्स करते जाइए। इस तरह से मिक्स करेंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। फ्लेम के मीडियम रखेंगे। जो भी इस रेसिपी के बनाने में दिक्कत आती है, आइज आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगी। फ्लेम के हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बहुत जल्दी सूजी पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। अब जल्दी कर देते तो इसमें गुठली पड़ जाती। अब अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे और ये देखिए अच्छे से बढ़िया से हमारी सूजी फूल गई है और तैयार हो गई है, पैन भी छोड़ दिया है। अब इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे। अब लेंगे एक थाली, या थाली पर हल्का सा घी तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और साथ में ही गर्मा गर्म इस तरह से सूजी वाला मिक्स को निकाल लेंगे। यहाँ हमें सभी काम गर्म में ही करना है। अब अपने बाइट के सुपर टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ उबले हुए एक बड़े साइज के आलू। आप छोटे साइज के ले रहे तो दो ले लीजिएगा। अब यहाँ पर लेंगे एक ग्रेटर, इस तरह से आलू के हम कद्दूकस कर लेंगे। आप यही काम हाथ से करते तो उसमें थोड़ा बहुत आलू के चंक्स रह जाता है। अब इसी स्टेज पर डालेंगे बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, साथ ही डालेंगे बारीक कट किया हुआ एक हरी मिर्च। यदि आपके घरों में छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डालिएगा। अब यहीं पर थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ क्योंकि इसमें आलू डाले हैं। ये बहुत कम चीजों से स्नैक्स बनती है, सारी चीजें हमारे घर में ही होती है। रोज बनाने पर हम सोचते हैं कि नाश्ते में क्या बनाए। ये वाला जो नाश्ता है ऑल टाइम बच्चों से लेकर बड़े तक के भी फेवरेट होता है। इस स्नैक्स को लंबे समय तक कैसे स्टोर करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो फ्रोजन वाला मार्केट में पोटैटो बाइट मिलती है, अब आपको लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका मिक्स हल्का हाथों पर चिपका चिपका लग रहा है, मॉइस्चर इसमें रह गया होगा, तो इसमें मैं डाल रही हूँ दो बड़ा चम्मच चावल के आटा। इसमें चावल के आटा इसलिए डाले है क्योंकि कुरकुरा पनाएगा, थोड़ा बहुत आलू और सूजी के नमी रह गया होगा तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आप चावल के आटे की जगह अरारोट पाउडर डाल लीजिएगा, चाहे तो पोहा का पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। ये देखिए बढ़िया मिक्स कर ली है, ये चिकना हो गई है। बस यहाँ लीजिए इस तरह से थोड़ा सा पोषण, अपने मन पसंद के चाहे तो अपने तरीके से इसकी सेव दे सकते हैं। मैं दे रही हूँ जो मार्केट में आता है ना पोटैटो बाइट, उसी तरह से सेव दे रही हूँ। थोड़ा सा पोषण लेकर इस तरह से लंबे सेव में एक चकला के ऊपर चाहे चोपिन बोर्ड के ऊपर इस तरह से रख कर बना लीजिए। बस इस तरह से आप एक साफ नाइफ से बराबर में कट कर लीजिए, थोड़ा सा दोनों साइड से चिकना कर दीजिएगा और इस तरह से बनाकर आप लंबे समय तक एंजॉय भी कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए एक पोटैटो बाइट मैंने तैयार कर ली है, बहुत ही मस्त दिख रहा है। अब इसी तरह से सारे पोटैटो बाइट हम तैयार कर लेते हैं।
ये देखिए मैंने सारी बाइट बनाकर तैयार कर ली, एकदम मस्त दिख रहा है। और इसे जितना बनानी है उतना अभी फ्राई कर लीजिए। अगर आपको स्टोर करके रखना है तो इस तरह के लीजिए कोई भी एयर टाइट बॉक्स, बॉक्स में सारी वाइट के आप डाल दीजिए, ऊपर से आप फॉइल पेपर से चाहे क्लिन रैप से कवर कर दीजिएगा और ऊपर से ढक्कन लगाकर आप फ्रीजर में रख दीजिए। जब आपको फ्राई करना हो तो फ्रीजर से निकाल कर फ्राई कर सकते हैं, चाहे इसे माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। तो ये लीजिए, पहले से हमने फ्रीजर में रख दिया था, इसमें थोड़ा सा बर्फ जम गया है और क्रंची भी हो गया है। अब चलिए इसकी आवाजें सुनाती हूँ। बनी है ना एकदम क्रंची, ये देखिए एकदम करंची हो गई है। और इस तरह से फ्रोजन स्टोर करके रख सकते हैं, एक महीना बिल्कुल खराब नहीं होगा। फिर उसके बाद आप फ्राई कर ले, जैसे आप बाजार के फ्रोजन स्नैक्स फ्राई करते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने तेल पहले से गर्म होने के लिए पैन में रख दिया था। और स्नैक्स बनाने के लिए तेल हमारा बढ़िया गर्म होना जरूरी है, ना ज्यादा ठंडा और ना बहुत तेज गर्म। अब धीरे धीरे करके अपने सूजी आलू बैठ के डालते जाएंगे और एक मिनट टच नहीं करेंगे। हल्का ट्रांसपेरेंट होने के बाद में एक पलटा से पलट देंगे, फिर उसके बाद गोल्डन क्रिस्पी करंची होने तक फ्राई कर लेंगे। ये तो फ्राई वाला है, जैसे मान लीजिए आपको फ्राई भी नहीं करना है और ओवन भी नहीं है, आप इन्हें किसी भी पेन चाहे तावे पर टिक्की जैसा बना लीजिए और कम तेल में सेक सकते हैं, तभी खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये देखिए एकदम मस्त गोल्डन कलर हमारे व्हाइट में आ गया है, देखने से लग रहा है कि तुरंत निकाल के खा लो। अब एक छन्नी में निकाल लेंगे, सुपर क्रंची क्रिस्पी बने हैं, न ही तेल अब्जॉर्ब किया है न ही फटा है, परफेक्ट क्रंची बने हैं। और ये देखिए इसका क्रंच, आवाजें आई ना, आप सुन सकते एकदम क्रिस्पी बने हैं। अब चलिए अब सेकंड बैच के भी फ्राई इसी तरह से कर लेते हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है जबरदस्त टेस्टी, सभी का फेवरेट हमारा सूजी आलू का मजेदार सी नाश्ता। ये देखिए इसका टेक्सचर बनी है ना एकदम करंची क्रिस्पी करारे। आप इसे 100% बनाइए, जब इसे आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, बच्चों को और भी ज्यादा पसंद आता है। अंदर से इसकी टेक्सचर देख सकते हैं, बनी है ना एकदम क्रिस्पी कुरकुरे। अब इस तरह से टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए, चाहे धनिया चटनी के साथ, चाहे लहसुन के चटनी के साथ, चाहे आप चाट मसाला डालकर सर्व कर सकते हैं, बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आपने देखा ना बनाना कितना आसान है। अब झट से तैयार कर लेंगे वो भी घर के रखे हुए कुछ सामान से। ये सुपर टेस्टी स्नैक्स के आप कब बना रहे हैं हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आती तो प्लीज मेरे चैनल के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर आप नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक से मेरे चैनल के आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय गाइस।